Nonsense. When we have started our last chapter of political science, outcome of democracy. Outcome of democracy के बारे में अंदर हम जो democracy है, जो हमने ninth class से study करना शुरू किया था, उसके बारे में हमने थोड़ा सा discuss किया था whether democratic government is a better form of government or not. तो हम दो साल से लगातार democracy के बारे में discuss करते जा रहे हैं. दो साल से हम लगातार democracy के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. तो उसके आधार पे हमने देखा है कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वास्तव में एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अदर ऑप्शन के अपेक्षा या नहीं. तो इस चीज को हम डिस्कस कर रहे थे जहां पर हमने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किस प्रकार से अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आप कह सकते हो बेटर है. उसके बाद हमने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द लेजिटिमेट गवर्नमेंट. तो हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया था लास्ट जो वीडियो किया, लास्ट जो पार्ट था इसके अंदर. इस सेकंड पार्ट के अंदर हम बेसिकली कौन कौन सी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ क्या मिल सकता है. मीन्स क्या हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर पाते हैं, क्या हमें डेवलप होने का चांस मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. हम डिस्कस करेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करती है. मींस सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी जो आप कह सकते हो फैली हुई है, तो वो क्या इनइक्वालिटी खत्म होती है या नहीं होती है, या पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए किस प्रकार के कदम जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो उठाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्लोइटेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. सोसाइटी के अंदर विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, जिसको जिसकी डिफरेंट लैंग्वेज, दे फॉलो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन. तो वो जो सोशल डाइवर्सिटी है कहीं ना कहीं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के चांसेस होते हैं. क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उनको इसलिए अकोमोडेट कर पाती है या नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजन. तो बेसिकली चार टॉपिक आज हम अपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके बाद आपका पॉलिटिकल का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. लास्ट चैप्टर आपका सिलेबस से खत्म हो चुका है, चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी, बट इट इज आल्सो अ वेरी गुड चैप्टर. अगर आप एनटीएस वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उसको इंडिविजुअल मैनर से स्टडी कर लेना, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल भी रहेगा. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी. नॉर्मली अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करता. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट तो आपको प्रोवाइड करने का में सफल हुई है, बट अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करता है, हर एक व्यक्ति हर एक गवर्नमेंट से ये बात आप कह सकते हो प्राप्त करने की एक्सपेक्टेशंस रखता है. नॉर्मली चाहे वो डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, कुछ भी है. तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोवाइड अ गुड गवर्नमेंट, इट इज एब्सोल्युटली राइट. वो एक गुड गवर्नमेंट तो आपको प्रोवाइड कर रही है, बट इसके साथ साथ हम एक चीज और एक्सपेक्ट करते हैं कि दैट गवर्नमेंट शुड ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कि जो गवर्नमेंट हमारे पास है वो हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ भी प्रोवाइड करे और डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करे, हम इसकी बात नहीं करते हैं. मीन्स डेमोक्रेसी एक आपको अच्छी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है, तो उसके साथ साथ हमारी अदर एक्सपेक्टेशंस भी हैं डेमोक्रेसी से, जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की है. अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इस चीज में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक तरीके से अपने आप को अपने इस टेस्ट को पूरा करने में फेल हो चुकी है. अगर लास्ट 50 इयर्स को ऑब्जर्व करें और आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हो, तो जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मींस जो डिक्टेटरशिप है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अपेक्षा ज्यादा अच्छी है. और अगर हम बात करते हैं लास्ट 50 इयर्स को, अगर हम एग्जामिन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि डिक्टेटरशिप बेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ में या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो आपको हायर रेट जो मिलेगी वो डिक्टेटरशिप की मिलेगी. डिक्टेटरशिप के अंदर इकोनॉमिकल ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा हुई है rather than डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब आप डिक्टेटरशिप को ही बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानेंगे. मानते हैं कि इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है,
इस बात की से एडवोकेट करते हैं कि डिक्टेटरशिप के अंदर ज्यादा इकोनॉमी का ग्रोथ हुई है, बट क्या हम केवल इसको इस आधार पे ही रिजेक्ट कर देंगे कि हमारे यहाँ पर थोड़ी लेस डेवलपमेंट हुई है, इस आधार पे हम उसको रिजेक्ट कर देंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं है? क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही होना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी हैं जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करते हैं? जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट अदर फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन साइज, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉपुलेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्रीज। ये कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको सिचुएशन प्रोवाइड करती है, इट इज जस्ट ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस प्रकार से डेवलप करोगे। और अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता हूँ तो इकोनॉमिक ग्रोथ केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना ना होने के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है कि उस देश की पॉपुलेशन का साइज कितना है, वहां पर उनके अंदर इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी है, अदर कंट्री के साथ उनका कोऑपरेशन कैसा है, देश के अंदर इकोनॉमिकल प्रायोरिटीज प्राइमरी सेक्टर को मिल रही है, सेकेंडरी को मिल रही है, टर्सरी को मिल रही है, किस चीज को मिल रही है, इन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करती है इकोनॉमिकल ग्रोथ। Since the difference of economic growth is minimum, hence we should accept democratic government as it has other positive outcomes also, जो कि dictatorship के अंदर नहीं है। हम मानते हैं economical growth थोड़ी low है, थोड़ी less है, but उसके बावजूद भी हम democratic government को ही adopt करेंगे, अच्छी प्राप्त करने की बात करेंगे। Reason क्या है? क्योंकि उसके other positive attributes भी हैं। Like freedom आपको मिलती है वो केवल democratic government में मिलती है, पीपल को अपने जो रिप्रेजेंटेटिव चूज या आप कह सकते रूलर चूज करने का अधिकार मिलता है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिलता है, पीपल को डिफरेंट टाइप के राइट्स जो है वो केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिलता है, ये डिक्टेटरशिप में नहीं मिल सकता। तो इस आधार पे अगर हम इकोनॉमिकल ग्रोथ के आधार पे अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट फेयर, ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके अलावा अदर एट्रीब्यूट भी हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक अच्छी गवर्नमेंट है। मानते हैं इकोनॉमिकल मैनर से हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकल मैनर से हम अच्छी तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अचीव नहीं कर पाए, या आप कह सकते हो इसके इकोनॉमिकल जो रिजल्ट है वो डाउन है, बट इसके आधार पे हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी, द रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट इज इक्वालिटी, इक्वालिटी इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वेदर इट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, किसी भी चीज की हम बात करें, जो मेजर ऑब्जेक्टिव है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का दैट इज इक्वालिटी, वो आपकी इक्वालिटी होती है। हर एक एरिया के अंदर आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करना, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। बट इन द करंट सिचुएशन अगर हम बात करते हैं, करंट सिचुएशन हम देखते हैं कि इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया भी है हम उसकी बात कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी आपको मिलेगी। और भले अगर आप इंडिया की बात करते हो, एवरी पर्सन हैज राइट टू वोट, चाहे वो किसी भी कास्ट, धर्म, जेंडर, किसी भी चीज से बिलोंग क्यों ना करता हो, डजंट मैटर, हर एक व्यक्ति को पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड है, ठीक है। बट इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी आपको मैक्सिमम जो नोट जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, उनके अंदर आपको देखने को मिलती है। रिजल्ट क्या है कि जो हमारी वेल्थ है वो जस्ट ओनली इट इज इन द फ्यू रिच पीपल हैंड, जो आप कह सकते हो कि जो हमारे पास जो पैसा है वो केवल कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही है, और हमारा मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है अगर हम बात करते हैं लार्ज पॉपुलेशन, इट इज अ पुअर फैमिली जो कि अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाती, ऐसा सेक्शन हमारी सोसाइटी में मिलता है। इस सिचुएशन के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काफी पीछे है, ये भी क्योंकि इकोनॉमिकल थिंग्स से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये भी चीज आपको देखने को मिलेगी। बट अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, चाहे हमारे देश के अंदर कोई रिच है या पुअर है, हर एक व्यक्ति को अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का अधिकार है,
हर एक व्यक्ति को अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का अधिकार है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की क्यों ना बात करूं, चाहे पुअर सेक्शन की बात करते हैं, एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी भी ये नहीं चाहिए कि ये पुअर सेक्शन मुझे वोट ना दे। हर एक सेक्शन जो है, या आप कह सकते हो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो चाहेगी कि ये जो कि पुअर पर्सन है इनकी वोट मैक्सिमम मुझे मिले। हर एक डिमांड करता है, हर एक वादा करता है, हर एक व्यक्ति उनसे वोट अचीव करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कि जिस वक्त एक बार इलेक्शन हो जाते हैं, उनसे जीत जाते हैं, उसके बाद कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनको आप कह सकते हो अपग्रेड करने का मौका देती है या उनको अपग्रेड करती है? कोई भी उनके बारे में नहीं सोचता, ठीक है? क्योंकि हमारे देश के अंदर इक्वल राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का, मीन्स राइट टू वोट इक्वल मैनर से है। और हमारे देश के अंदर अगर मैं पुअर पर्सन की बात करता हूँ, उनकी संख्या ह्यूज अमाउंट में है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी कि उनकी वोट उनको ना मिले। बट आफ्टर विनिंग इलेक्शन वो क्या करते हैं, ये देखा जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाता जिसकी वजह से पुअर्टी को रिड्यूस किया जा सके। कोई भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी ऐसा काम नहीं करती कि उस पुअर्टी को रिड्यूस किया जा सके। ये एक बहुत बड़ी, एक कह सकते हो आप, हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट कैन बी एक्सपेक्टेड दैट गवर्नमेंट शुड एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी एंड थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द पुअर्टी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में अगर हम बात करते हैं, ये हम सब की एक एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले इस पुअर्टी वाली प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाहिए, इसके लिए स्टेप उठाना चाहिए ताकि पुअर्टी रिड्यूस हो सके और हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो कि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता, तो उसकी नीड्स भी पूरी हो, उनको एक ब्राइट फ्यूचर भी मिले, ताकि हमारा देश जो है वो इकोनॉमिकल मैनर से भी डेवलप हो सके। This is the reduction of the inequality and poverty. Okay, students. Now come to the accommodation of the social diversity. इससे पहले हमने economical development की बात की, poverty को reduce करने की बात की, तो इन दोनों aspect में हमने देखा कि democratic government जो है वो other form of government से काफी पीछे है। But अगर मैं social diversity की accommodation की बात करूँ, तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी कैन हैव डिफरेंट सोशल डिविजंस, चाहे किसी भी सोसाइटी की क्यों ना बात करो, हर एक सोसाइटी में आपको डिफरेंट सोशल डिविजन देखने को मिलती है। और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सोशल ग्रुप को दबा नहीं सकती या किसी को फेवर नहीं कर सकती, उसे केवल एक पीसफुल एंड हारमोनियस सोशल लाइफ क्रिएट करना है देश के अंदर, ताकि सोसाइटी का हर एक वर्ग, चाहे वो किसी से भी क्यों ना बिलोंग करता करे, वो व्यक्ति इजीली एकोमोडेट कर सके और किसी भी प्रकार की कोई कंफ्लिक्ट ना क्रिएट हो। हम सबको पता है कि पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरे देश के अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप रहते हैं, अगर डिफरेंट सोशल ग्रुप है इट मींस देयर मे बी कंफ्लिक्ट क्रिएट होना बड़ा इजी है वहां पर, ठीक है? कोई भी सोसाइटी इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी नहीं है जहां पर डिफरेंट वर्ग रहते हैं और उनके बीच में किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट क्रिएट ना हो। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इट ट्राई टू रिड्यूस दिस पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन। केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही इसी चीज से आप कह सकते हो टेंशन को रिड्यूस करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा क्रिएट करती है। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो पीपल है दे शुड रिस्पेक्ट ओवर अदर ईच अदर डिफरेंसेस, वो एक दूसरे के डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का आप कह सकते हो रिस्पेक्ट करते हैं और उनको इजीली एकोमोडेट करने का मौका देते हैं, किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करते। केवल डेमोक्रेटिक थिंग्स के अंदर देखने को मिलता है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वहां पर देखने को मिलता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये दो प्रकार की कंडीशन फुलफिल करती है। द फर्स्ट वन इज मेजोरिटी शुड वर्क विद माइनॉरिटी। अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी के साथ काम करेगी, मीन्स हमारा देश एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मेजोरिटी की बातें मानी जाती है पर माइनॉरिटीज की बातों को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता, उनकी बातों को मेजोरिटी से ज्यादा माना जाता है। सो डेमोक्रेटी शुड नॉट रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन, इट शुड कंसीडर द माइनॉरिटी ओपिनियन आल्सो। माइनॉरिटी के जो ओपिनियन है उनको भी उतना ही प्रिविलेज मिलता है जितना कि मेजोरिटी को मिलता है। ओनली बाय वर्किंग टुगेदर अ गवर्नमेंट कैन प्रोड्यूस, about a government should can produce an effective government that work for people. So a democratic government जो है वो majority के साथ साथ minorities का भी ध्यान रखती है।
और जो स्क्रीन कंडीशन है वो होती है कि जो मेजोरिटी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन धर्म या कह सकते किसी लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर मेजोरिटी ओपिनियन की बात कर रहे हैं। और उस ओपिनियन के अंदर जरूरी नहीं है कि केवल एक सोशल ग्रुप हो, वहां पर मल्टी सोशल ग्रुप भी देखने को मिलते हैं। और ऐसे भी चांस होते हैं कि जिसने आज मेजोरिटी बनाई है नेक्स्ट टाइम उसकी माइनॉरिटी बन सकती है और अदर माइनॉरिटी ग्रुप की मेजोरिटी बन सकती है। ये दो कंडीशन जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप कह सकते हो फुलफिल करता है, और ये दो कंडीशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। सो एवरी सिटीजन हैज राइट टू बी अ पार्ट ऑफ मेजोरिटी, हर एक व्यक्ति के पास मेजोरिटी का पार्ट बनने का अधिकार है। और मैंने पिछले 10 साल में हर 10 साल के इलेक्शन को आप रिवाइज करते चले जाओ या आप तीन बार के इलेक्शन को आप रिवाइज करते चले जाओ, हर बार आपको सेंटर में या स्टेट में आपकी पॉलिटिकल पार्टी में चेंज नजर आएगा। जो आज मेजोरिटी में है वो कुछ समय पहले माइनॉरिटीज में थी, जो आज माइनॉरिटी में है कुछ समय पहले वो मेजोरिटी में थी। ठीक है, सोसाइटी के अंदर डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। हमारे देश में मल्टी कल्चर को फॉलो करने वाले व्यक्ति रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले व्यक्ति रहते हैं, लैंग्वेज भी हमारे डिफरेंस है डिफरेंट है, बट उसके बावजूद भी वी आर इजीली अकोमोडेट विद ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के डिफरेंस की रिस्पेक्ट करते हैं। जस्ट ओनली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी ये चीज प्रोवाइड करती है। अगर मैं नॉन डेमोक्रेटिक एरिया की बात करता हूँ, सऊदी अरेबिया की बात करूँ, नॉन इस्लामिक पीपल जो है वो एक तरीके से अच्छी तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार या पूजा पाठ तक नहीं कर सकते। ठीक है, श्रीलंका की बात कर लीजिए आप, श्रीलंका के अंदर केवल मेजोरिटी लैंग्वेज के आधार पे थी, तो वहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही इस सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सकती है। अदर जो फॉर्म गवर्नमेंट है उनसे आप कह सकते हो दे कैन ट्राई कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज द बेस्ट थिंग, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ टू सिटीजन। Democratic government enhances the dignity of the citizen. ये most important चीज है जो कि non-democratic government में आपको कभी मिलेगी ही नहीं मिलेगी। कारण क्या है? Democratic government में आपको different fundamental rights provide किए गए हैं, और वो fundamental right कोई भी political party छीन नहीं सकती किसी भी तरीके से। Every individual should to get respect from others. अगर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि सामने वाले ने उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड नहीं किया। अगर कभी भी झगड़ा होता है, कभी भी एनी टेंशन क्रिएट होगी ना, तो उसका सबसे बड़ा बेसिक रीजन यही होगा कि सामने वाले ने उसको रिस्पेक्ट के साथ मैनर से ट्रीट नहीं किया, उसका बेसिक रीजन होता है। और इसी चीज को अचीव करना मींस द डिग्निटी ऑफ द एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, ये जो मेजर प्रिंसिपल हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रिंसिपल की बात करते हैं, पर जो मेजर प्रिंसिपल है डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजन, इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैकनेस भी देखने को मिलेगी इस प्रिंसिपल में, बट 100% नहीं, लिटिल बिट। एग्जाम्पल में देख लीजिए, हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेल डोमिनेटेड इट मींस आप कह सकते हैं पुरुष प्रधान समाज, जहां पर वीमेन को इक्वल राइट प्रोवाइड नहीं थे। अ लॉन्ग स्ट्रगल दे हैव डन, उन्हें काफी लंबा स्ट्रगल करना पड़ा और उसके बाद उनको इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया नॉर्मली अगर हम बात करें। बट आज भी हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेसेज हैं जहां पर फीमेल को उतना अधिकार आज भी नहीं है जितना कि मेल को है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं अदर एस्पेक्ट की, केवल ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पर हम थोड़ा कंट्रोल कंट्राडिक्शन क्रिएट कर सकते हैं, बट अदर एस्पेक्ट की बात करते हैं, जितनी भी हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेटेड या डिप्राइव्ड सेक्शन है उनको ऊपर उठाने के लिए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई, इसके लिए उनको लीगल मेजर भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें हम रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं। जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शन है उनको ऊपर उठाने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया गया है। इसके अलावा आवर डिमांड फॉर डेमोक्रेसी आर नेवर एंडिंग, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से होती है। हमारी डिमांड जो है डेमोक्रेसी से कभी खत्म नहीं होती। जब हमें कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं
एक्सपेक्ट मोर बेनिफिट्स, हम और डिमांड्स करने लगते हैं। और जब कभी भी मौका मिलता है कि ये हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, देन वी स्टार्ट टू ब्लेम द डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये चीज केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में है। इसके अलावा अगर आप नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ब्लेम करने की कोशिश करोगे तो इट मे बी कि यू आर डेड, आपको मार दे जाए। यही चीज केवल पीपल को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिलती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पीपल के पास राइट होते हैं, दे कैन रेज देयर ओपिनियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आल्सो। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपने आप कह सकते हो अगेंस्ट अपने ओपिनियन को पेश कर सकते हैं। ये केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर है और किसी अदर गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। और यही चीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। सो टुडे पीपल बिलीव दैट द सिंगल वोट कैन इंपैक्ट द गवर्नमेंट एंड इन टर्न देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। आज व्यक्ति को पता है कि उनकी एक छोटी सी वोट एंटायर फिनोमिना को चेंज कर सकती है, सारे सिनेरियो को चेंज कर सकती है, ठीक है। इसीलिए उनको बड़े सोच समझ के अपना वोट देना चाहिए। स्टूडेंट्स, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी।